जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अजान को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है अलाहाबाद। अलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक वीसी है जिनका नाम है संगीता श्रीवास्तव। संगीता श्रीवास्तव ने अलाहाबाद के डीएम को एक पत्र लिखा था अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि जो सुबह की जो अजान होती है उसमें जो लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है, लाउड स्पीकर जो अजान होती है सुबह के टाइम, तो उस अजान से मेरी नींद खराब होती है, मेरी नींद में खलल होती है, इसलिए लाउड स्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए, लाउड स्पीकर पर बैन कर देना चाहिए। सिर्फ क्या अजान बिना लाउड स्पीकर से नहीं हो सकती, ये उत्तर प्रदेश में जो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उनकी वीसी ने आरोप लगाया था डीएम को पत्र लिखकर। उन्होंने कहा था इस अजान को बंद कर देना चाहिए, मेरी नींद में खराबी होती है। तो दोस्तों ये मैं अगर आपको बताऊं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने एक आदेश बना दिया है। आदेश ये बना दिया है कि दिन के टाइम कितनी वॉल्यूम रहेगी लाउड स्पीकर की, वहीं रात के टाइम यानी 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बाद जो होता है उसमें कितनी वॉल्यूम रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी ने एक रूल बना दिया कि आपके वॉल्यूम कितनी रहेगी, दिन में ज़्यादा रहेगी, रात में कम रहेगी। वहीं साथ के साथ आप किसी के जो धर्म को लेकर, जैसे अजान होती है हमारे इस्लाम के अंदर, तो उसमें आप बैन नहीं कर सकते, वरना आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में अलाहाबाद का एक आईजी है, उन्होंने आईजी ने एक पत्र लिखा है, उन्होंने पत्र लिखा है कि सुबह रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा। यानी पूरी तरीके से जो सुबह की जो अजान होती है, सर्दी हो या गर्मी हो, तो वो सुबह के 6 बजे से पहले ही अजान होती है। तो आईजी ने आदेश दिया है, पत्र लिखकर कहा है कि सुबह के, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि सुबह की अजान अब अलाहाबाद के अंदर लाउड स्पीकर से नहीं दी जाएगी। क्या ये रूल माना जाएगा या फिर कुछ और हाई कोर्ट जाएंगे लोग या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये आने वाला टाइम बताएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।